स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ में ये भी देखेंगे कि इनकी 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें क्या भूमिका रही थी। इन सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1857 में इन्होंने भाग लिया था, एक बात तो आप ये जान लिए, जो स्वतंत्रता संग्राम था आपका, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। अब झांसी की रानी जो कि मणिकर्णिका के नाम से भी जानी जाती हैं, तो उनका बैकग्राउंड देखते हैं कि उन्होंने, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उनकी शादी कैसे किससे हुई, उसके बाद किस तरह से उन्होंने ग्वालियर और झांसी में कुछ समय तक राज्य किया और कैसे अंग्रेजों से फाइट किया, उनकी भूमिका समझते हैं। तो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में, ठीक है, बनारस में इनका जन्म हुआ था। मराठी फैमिली में जन्म हुआ था और इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि मराठा जो शासन था वो आपका यहाँ तक अवध के रीजन तक फैला हुआ था, मतलब आज का उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। अब मोरोपंथ तांबे जो थे इनके पिता थे, और भागीरथी बाई इनकी माताजी थी, ठीक है, तो ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन पूछ लेता है, फिलहाल आपको जानना चाहिए। पिता जो थे वो आपका बिट्टूर के पेशवा के यहाँ पे दरबारी थे, राज दरबारी थे। अब बिट्टूर जो है, मैंने इसको कहीं और पढ़ाया आपको, आपको याद होगा कि नाना साहब जो थे वो आपका बाजीराव पेशवा जो द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, तो वो उन्हीं के राज दरबार में, बिट्टूर के ही रहने वाले थे नाना साहब, तो उन्हीं के राजदार में रानी लक्ष्मीबाई भी के पिता भी जो थे वहाँ के दरबारी थे, ठीक है। 4 वर्ष की उम्र में ही इनकी माता का मृत्यु हो गया था, इसीलिए पेशवा का इनको संरक्षण प्राप्त था। मैंने पिछले वीडियो में जब नाना साहब के बारे में मैंने बताया था, तो आपको एक बात बताई थी कि नाना साहब हो गए, तात्या तोपे हो गए और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ये तीनों के तीनों बचपन के दोस्त थे। इनकी जो एजुकेशन थी और हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग, शूटिंग ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इनको एजुकेशन प्राप्त थी, मतलब कह सकते हो आप कि अस्त्र शस्त्र की विद्या भी मिली थी और उनको एजुकेशन भी मिला था जो कि शिक्षा के स्तर पर होना चाहिए। बचपन के मित्र इनके नाना साहब और तात्या तोपे थे, ये बात मैंने अभी भी दोबारा बता दी आपको, और नाना साहब के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। 14 साल की थी तभी उनका 1842 में गंगाधर जो कि वाराणसी के राजा थे उनके साथ इनका विवाह हो गया। इनको महाराजा के नाम से भी जानते थे, गंगाधर को महाराजा ऑफ वाराणसी के नाम से जानते थे। 1851 में दामोदर राव इनका पुत्र हुआ, लेकिन 4 महीने के अंदर ही वह पुत्र मर गया, ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो टेक्निकली कि इनका कोई पुत्र नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि 1853 में गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई थी, मतलब इनके जो पति थे गंगाधर राव, तो 1853 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो एक कजिन सन था, ठीक है, एक कजिन सन था जिसका नाम अगर मैं बताऊं तो वो था आनंद राव, उसी का नाम चेंज करके दामोदर राव रख दिया गया और ये उनका अडॉप्टेड मतलब दत्तक पुत्र था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हड़प नीति के तहत महाराजा की मृत्यु के बाद डलहौजी ने इनसे राज्य छीनने की कोशिश की, ठीक है, ये वाराणसी क्षेत्र के राजा थे, तो वहाँ से इसने क्या किया, बनारस जो राज्य था वो आपका कई जगह कई किलो का अधिकार होता था, ठीक है, पहले जमाने में ऐसा होता था कि कई किलो पर अधिकार होता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति उसने अपनाई थी, मतलब हड़प नीति अपनाई थी, यदि किसी राजा का कोई भी पुत्र नहीं होता है, उसको गोद लेना नहीं बोलते हैं, अगर उसका खुद का कोई पुत्र नहीं होता है तो उसको, उस राजा को राज्य करने का अधिकार नहीं है, उसके मृत्यु के बाद उसका राज्य जो है वो अंग्रेजों के द्वारा विलय कर लिया जाएगा, इसी को विलय नीति या हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी और गंगाधर राव थे, उनका कोई भी पुत्र नहीं था, पुत्र था लेकिन वो मर गया था, उन्होंने एक पुत्र को अडॉप्ट किया था जो कि छोटा था, साथ ही डलहौजी ने मना कर दिया उसको राज्य का उत्तराधिकारी मानने से। अब इससे क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई को पेंशन मिला और उनको झांसी का किला छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और उन्हें बोला गया कि आप जल्द से जल्द झांसी का किला छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपने फर्म पर डटी रही, ठीक है, और झांसी पर राज करना शुरू किया। 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हो चुकी थी, वो दौरान था जब 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इस पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी थी। अब ब्रिटिश जो थे वो आपका सर हेग रोज के निर्देशन में, नेतृत्व में झांसी पहुँचे और वो उस पर अधिकार करना चाहते थे। तो 1858 में जब वो झांसी पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने झांसी का जो किला था उस पर कैप्चर कर लिया। इस वजह से झांसी की रानी जो थी, ठीक है, उनको वहाँ से हटना पड़ा। अब इसकी कहानी मैं बताता हूँ। और जब सर हेग रोज पहुँचा वहाँ पे, तो उसने कहा कि आप सरेंडर कर दो, अदरवाइज जान माल की काफ़ी नुकसान होने वाली है। लेकिन झांसी की रानी अपने फर्म पर डटी रही, उन्होंने कहा कि हम ऐसे सरेंडर नहीं करने वाले हैं। 2 हफ्तों तक युद्ध चला, फिर वो अपने दत्तक पुत्र को लेकर के कालपी में चली गई। कालपी एक जगह है, स्थान है, तो वहाँ भी अपने दत्तक पुत्र को लेकर के भाग गई या फिर चली गई। अब तात्या तोपे और कुछ अन्य जो विद्रोही सैनिक थे, जो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उस समय 1857 में सक्रिय थे, उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इन सभी ने मिल करके ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेजों का सामना करने के लिए वो मुरार,
जो कि ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर आगे बढ़ने लगी। 18 जून 1858 में 29 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये मृत्यु जो थी वो भारतीय नेशनलिस्ट लोगों को, मतलब जो राष्ट्रवादी प्रकृति के व्यक्ति हुए, जैसे आप जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और बड़े बड़े लीडर आए, गोपाल कृष्ण गोखले आए, महात्मा गांधी का भी नाम सुनेंगे, ठीक है, तो इन सभी लोगों का जो राष्ट्रवाद के रूप में छवि में जो उनका उदय हुआ वो कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई और कुछ इसी तरह के लोगों के द्वारा प्रेरित रहा। और वो जब मरी तो सिपाही वेश में ही मरी। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो युद्ध भूमि में ही, वो सिपाही वेश में ही अपनी जान को त्यागा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित भी किया, मतलब जितने भी राष्ट्रवादी हुए जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन सभी को प्रेरित करने का काम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। उन्होंने करेज, हीरोइज्म और वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन पावर को प्रदर्शित किया या फिर उसका उदाहरण बनी। इस तरीके से हमने आज समझने की कोशिश की कि कैसे झांसी की रानी 1857 की क्रांति में प्रमुख नेतृत्व किया, उसके साथ साथ उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रवादी नेताओं को एक अलग से प्रेरणा प्रदान किया। इसी तरह से आज समाप्त होता है ये वीडियो, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। धन्यवाद।